मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी कि एचसीएलसी है क्या। ठीक है, तो एचसीएलसी है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, अगर हम कोई मतलब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ नीड होती है, तो सबसे पहले हम आते हैं उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके अंदर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हम उसके बाद एवोल्यूशन करते हैं, फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, ठीक है, फिर उस पर डिज़ाइन करते हैं, फिर एवोल्यूशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और जब हमारा बन जाता है तो हम टेस्टिंग करते हैं। सो आते हैं हम अब के जनरल प्रोसेस फ्रॉम वर्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन विद कस्टमर। ठीक है, सबसे पहले हम कस्टमर से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि उसे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर, और फिर उसकी हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर प्लानिंग करके फिर उसका मॉडल बनाते हैं, फिर वो उसको देते हैं ताकि वो मतलब चेक करे कि वो जो कह रहा है वो सही है, हम सही है या नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं एसटीएल प्रोसेस मॉडल। डिफाइन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। द एक्टिविटीज मे बी लीनियर, इंक्रीमेंटेड और एवोल्यूटर। ठीक है, तो अब आते हैं कि वाटरफॉल मॉडल हमारा क्या है। वाटरफॉल मॉडल, द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस। इट इज आल्सो रेफर एज अ लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट। अ वाटरफॉल मॉडल, ईच फेज मस्ट बी कम्प्लीट बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगेन, एंड देयर इज द ओवरलैपिंग इन द फेजेस। ये सबसे ईजी हमारा मॉडल है, इससे हम आसानी से यूज कर सकते हैं और इसके आसानी से तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट स्टेप तक, ये लास्ट से फर्स्ट स्टेप तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे ईजी मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वेयर वी कैन अप्लाई वाटरफॉल मॉडल। हम वाटरफॉल मॉडल किस लिए यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंट्स, क्लियर एंड फिक्सेड। प्रोडक्ट डिफाइन इज स्टेबल, टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टैंड एंड इज नॉट अ डायनामिक, क्लियर आर नो एम्बिशियस रिक्वायरमेंट्स, द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। सिंपली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपली हम इसको समझ सकते हैं। ईजी टू मैनेज ड्यू टू रिजेक्ट व्यू ऑफ द मॉडल। ठीक है, फेज अप्रोच एंड कम्प्लेन वन आर टाइम वर्क वेल टू फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट। वेयर रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल अंडरस्टैंड, ईजी टू अरेंज टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसके रिसेल मच क्या है, ये हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है। क्योंकि हम देखें, अगर हम किसी से सॉफ्टवेयर मतलब हमें कोई सॉफ्टवेयर बोलता है कि हम बना के दे सॉफ्टवेयर, तो वो मतलब उससे हमारा हाई अमाउंट और हमें उसके हमें हाई अमाउंट का रिस्क हो सकता है। ताकि क्या पता वो एंड टाइम पे हमें कस्टमर जिसने हमें कहा है कि सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो अगर वो एंड टाइम पे मना कर दे तो उसका रिस्क तो हमें हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल। ठीक है, ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट मॉडल, द होल रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू वर्ड्स बिल्ड्स मल्टीपल डेवलपमेंट साइकिल टेक अ प्लेस हियर मेकिंग द लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके अंदर एनालाइज, इसके अंदर डिजाइन हो सकती है, इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, सॉफ्टवेयर विल बी जनरेटेड क्विकली ड्यूरिंग, ये जल्दी से बन सकता है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल फ्लेक्सिबल एंड लेस एक्सपेंसिव टू चेंज रिक्वायरमेंट एंड स्कोप थ्रू द डेवलपमेंट स्टेजेस चेंज कैन बी डन आर इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज इसके ये हैं, इट रिक्वायर अ गुड प्लानिंग, डिजाइनिंग मस्ट अंडरस्टैंड द होल सीनियर। इसके अंदर हम अच्छी के मतलब इसके अंदर हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोटोटाइप। ये हमारा सबसे छोटा मॉडल है। ठीक है, द प्रोटोटाइप मॉडल रिक्वायर्ड बिफोर कैरिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ट, इट इज़ अ सिंपल सोल्यूशन। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, इट इज़ अवेलेबल, इजीली मैनेज द टाइम, ये हम टाइम से इजीली यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, इंटरेस्टिंग विद कस्टमर, लेस अ प्रॉब्लम द क्योर प्रोटोटाइप सर्वर मशीन ऑफ आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, कस्टमर सी द वर्सेस मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर वेंट टू स्टॉप आर डेवलपमेंट एंड देन बाय द प्रोटोटाइप आफ्टर फ्यू फ्यू फिक्सेस डिजाइन इज अ नॉट पावरफुल। ठीक है,
सो एवरीवन, आज तक मैं आप लोग को SGST के बारे भी बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये मेरा वीडियो समझ मेरा मतलब ये लेक्चर समझ आया होगा। सो अगर आपको मेरी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगी, दूसरे मॉडल।